हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो ट्रेवल आर्ट। और मैं हूं आप सबकी फ्रेंड नेहा कौर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पेन स्टैंड। डबल पेन स्टैंड बनाएंगे हम, तो इसके लिए हम लेंगे हाफ पेपर और रूम स्टिक। उसे एक कॉर्नर से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे, इस तरह से फोल्ड करते करते करते, और एंड में जाकर हम फेविकॉल से चिपका देंगे। मैंने ऐसे और भी बहुत सारे बनाए हैं। अब सारे स्टिक्स को मैंने ब्लू कलर कर दिया है। अब मैंने बेस के लिए एक हार्ड कार्डबोर्ड लिया है और उसे अब मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि वो नीचे बेस के लिए वो यूज़ कर सकूं। जो मैंने पेपर स्टिक्स बनाए थे उसे मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, और ये मैं एक बुक का कवर जो पतला सा पेपर टाइप था उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं फेविकॉल लगाकर अब मैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे कट्स जो मैंने किए थे इसे मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ। इस तरीके से आपको चिपकाना है अच्छे से, छोटे छोटे कट किए थे मैंने सारे सेम साइज में। अब मैं इसे ऐसे मिलाकर अच्छे से चिपका रही हूँ। बॉर्डर दे रही हूँ वही पेपर स्टिक से ही दे रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं पेन स्टैंड को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए सिल्वर पेपर को मैं कट की हूँ, और अब मैं इसे पेन स्टैंड के दोनों बॉर्डर पे, जैसे अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ, मैं इसे ऐसे बॉर्डर से कर दूंगी ताकि ये और अच्छा लगे। अब मैं सिल्वर पेपर से ही छोटे छोटे फ्लावर जैसे कट करूंगी ताकि इसे मैं थोड़ा और डेकोरेट कर सकूं। बेस पे चिपका दूंगी, ग्लू से ऐसे चिपकाना है, और इसके ऊपर कोई भी भारी सा कुछ भी रख देना ताकि वो अच्छे से चिपक जाए।